मैसूर मसाला डोसा का प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया। ये देखिए पहले प्लेट कैसा दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा खास, एकदम क्रिस्पी है और इसको एकदम बढ़िया से तोड़ के प्लेट में सजा के दे दिया गया। और ये रहा हमारा इडली वाला साथ में, तो देख सकते हो इस तरीका से यहाँ पे निकाला जा रहा है पैटी। अब इसको कटोरी के माध्यम से फैलाया जाएगा ताकि वो एकदम थिन लेयर बन जाए और बड़ा बन जाए। और यहाँ पे एक और डोसा लगने वाला है, वो होने वाला है मसाला डोसा, जो कि होने वाला है पैक। ये शॉप आपको लक्ष्मी नगर में देखने के मिलेगा, चेन्नई हट करके इसका नाम है। ये तमिलनाडु का कैपिटल के नाम पर रखा गया और भैया तमिलनाडु से ही है। ये मैसूर मसाला डोसा का प्रिपरेशन हो गया स्टार्ट। डाला गया कुछ मसाला और इसके ऊपर डाला जाएगा तेल और इसको थोड़े देर में मिलाया जाएगा। और यहाँ पे भी तेल डाल दिया गया, उसको मिला लिया गया। अब इसको मिला लिया जाएगा ताकि वो जो फ्लेवर है सारे पार्ट में आ जाए बहुत ही बेहतरीन तरीका से। ये देख सकते हो, आलू को ले लिया गया है, देखने में ये ज़्यादा मसालेदार नहीं लग रहा है। और इसको अब फैलाया जाएगा पूरे डोसे के ऊपर ताकि बढ़िया से मिल जाए, आलू हर एक पार्ट में चला जाए। बहुत ही ज़्यादा खास है ये देखने में। इसके ऊपर डाला जा रहा है प्याज और ये हो चुका है लगभग रेडी। और देख सकते हो क्लोजअप में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है देखने में। और इसको अब किया जाएगा पैक। पैक कहने का मतलब कि जो रोल होता है उसको करके अब इसको किया जाएगा कट कट कट। देख सकते हो बहुत ही अलग तरीका का, क्योंकि पूरे डोसे को नहीं दिया जा रहा है, इसको एकदम पीस में कर दिया गया और इसको दिया जा रहा है प्लेट में ताकि खाने में आसानी हो। ये रहा हमारा मैसूर मसाला डोसा और हमारे मसाला डोसा को किया जा रहा है पैक। और अब बारी है हमारा इडली वड़ा के लिए। देख सकते हो इसको बहुत ही बढ़िया से साफ किया जा रहा है प्लेट को। और ये आ गया हमारा प्लेट, इसके ऊपर डाला जाएगा इडली। ये आ गया हमारा वड़ा और इसके ऊपर आ गया हमारा गरम गरम सांभर। और वड़ा खाने का मज़ा तभी है जब वड़ा को तोड़ दिया जाए और इस ये जो पूरा सांभर है ना वो पूरा सोख ले, वो अलग ही टेस्ट देता है। और ये आ गया हमारा नारियल का चटनी और ये हो गया हमारा रेड सॉस, वो टमाटर का रहता है और कुछ मसाले उसमें डाले हुए होते हैं। और ये हो गया हमारा प्लेट रेडी, इडली वड़ा। तो दिवाकर भैया तब तक तो आधा साफ कर चुके हैं क्योंकि इस बार भी हम लोग दिवाकर भैया के साथ ही पहुँचे, तो टेस्ट किया जाए इसका इडली वड़ा। तो देख सकते हो इडली वड़ा यहाँ पे हम लोग आ गया, बढ़िया से इसको सांभर में डुबोते हुए, क्योंकि वड़ा का मज़ा तभी है कि जब पूरा एकदम सांभर बढ़िया से उसको पी ले, उसके बाद इसको जो खाने का मज़ा है ना वो बहुत ही ज़्यादा लजीज है। इस तरीका का चीज़ देख सकते हो यहाँ पे। इडली वड़ा और डोसा एकदम लाइट वेट रहता है लेकिन इसका जो ओरिजिनल टेस्ट होता है बहुत ही ज़्यादा खास होता है। ये रहा डोसा हम लोग का, ये देख सकते हो। तो इसको लिया जाए, इसके अंदर पता नहीं कुछ मसाला रेड रेड टाइप का डाला गया था, उसके बाद चोखा डाला गया था, उसके बाद ये देख सकते हो इस तरीका से सीन हो गया। तो इसको डिप करते हैं चटनी के साथ क्योंकि ये वाला चटनी हमको नारियल वाला बहुत ही ज़्यादा खास लगता है। तो इसमें बढ़िया से डिप करते हुए और ये बाइट, हल्का सा स्पाइसी लगेगा, ये मज़ेदार है, सच में ये मज़ेदार। तो इसको फिनिश करते हैं, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, कमेंट नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं आगे की ओर, खाते रहिए मुस्कुराते रहिए।